इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सबसे पहले आपको एक कोको कोला का बोतल ले लेना है और इसको रेक्सिन कागज पर कुछ इस प्रकार से रगड़ना है। आप पीछे वाले ढक्कन को निकाल दीजिए और एक चाकू ले लीजिए। चाकू से आगे वाले ढक्कन को काटकर उसको भी निकाल दीजिए और रेक्सिन कागज से कटे हुए भाग को कुछ इस प्रकार से रगड़ के बराबर कर दीजिए जिससे कि वह धार धार ना रहे। अब एक छेद करने वाला मशीन ले लीजिए, उससे कुछ इस प्रकार से छेद कर दीजिए। अब एक कलम ले लीजिए, उसका रिफिल और ढक्कन निकाल के बाहर फेंक दीजिए और कुछ इस प्रकार से इसका पोर्शन यहाँ से काट लीजिए। कटे हुए कलम के भाग को कोको कोला में किए गए छेद में उसको अच्छे से बैठा दीजिए कुछ इस प्रकार। गाइस एक गुब्बारा ले लीजिए, गुब्बारे के ऊपर वाले पोर्शन को काट दीजिए और कोको कोला में इस तरह से कुछ पहना दीजिए। अब एक रबर ले लीजिए, रबर से कुछ इस प्रकार से गुब्बारे को बांध दीजिए। किसी प्रकार के प्लास्टिक के भाग में से एक राउंड सर्कल काट लीजिए और उसमें चिपो गम लगा कर गुब्बारे में इस प्रकार से चिपका दीजिए। अब कुछ इस प्रकार का ढक्कन ले लीजिए, ढक्कन में 8 छेद कर दीजिए छोटे छोटे और फिर बड़े बड़े उसी छेद में कर दीजिए। अब एक ट्यूब ले लीजिए और उसके साथ एक कैंची ले लीजिए, कैंची की सहायता से ट्यूब को कुछ इस प्रकार से राउंड सर्कल में काट लीजिए। अब जिस ढक्कन में आपने 8 छेद किया था उस ढक्कन को ले लीजिए, उसके बीच में चिपो गम लगाकर कुछ इस प्रकार से ट्यूब को चिपका दीजिए। अब ट्यूब और ढक्कन को छेद करने के बाद कुछ इस प्रकार से नट ले लीजिए, नट को उसमें कस दीजिए। अब चिपो गम को कोको कोला के ऊपरी भाग पर कुछ इस प्रकार से लगा दीजिए और इस ढक्कन को भी वहाँ पर चिपका दीजिए जिससे कि यह एकदम परफेक्टली बैठ जाए। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इंडिया के हैं तो लाइक कीजिए, अनदर कंट्री के हैं तो कमेंट कीजिए। अगर आप लाइक नहीं करते तो मैं समझ जाऊंगा कि आप इंडिया से प्यार नहीं करते। अब एक काठ का लकड़ी ले लीजिए, लकड़ी के ऊपर चिपो गम गिरा दीजिए। गिरा देने के बाद उसके ऊपर जो बनाए थे कोको कोला का बोतल, उस बोतल को कुछ इस प्रकार से बैठा दीजिए और लकड़ी के राइट साइड पर भी कुछ इस प्रकार से चिपो गम गिरा दीजिए। वहाँ पर भी कुछ लकड़ी का पोर्शन वहाँ पे छोटा सा लगा दीजिए। अब एक डीसी मोटर ले लीजिए, डीसी मोटर को कुछ इस प्रकार से छोटे हुए लकड़ी पर चिपो गम गिराकर उस पर चिपका के बैठा दीजिए। बैठा देने के बाद एक कैंची और एक प्लास्टिक ले लीजिए, प्लास्टिक को राउंड सर्कल में कुछ इस प्रकार से कैंची से काट लीजिए। अब एक तांबा का तार ले लीजिए, तांबा के तार में काटे हुए प्लास्टिक को कुछ इस प्रकार से अंदर डाल के और पेचकस से उसको मोड़ कर कुछ इस प्रकार से बैठा दीजिए। जो उस टाइम कोको कोला के ऊपर प्लास्टिक लगाए थे उस प्लास्टिक और इस प्लास्टिक को आपस में चिपका दीजिए और इस तांबे के तार को मोड़ कर कुछ इस नए वाले मोटर में लगा दीजिए। लगा देने के बाद यह ट्राई जरूर कर लीजिए कि इस तरह नचाने के बाद यह नाच रहा है कि नहीं। अब काट के लकड़ी के लेफ्ट साइड में कुछ इस प्रकार से चिपो गम को गिराकर वहां पर भी एक छोटे से लकड़ी को बैठा दीजिए। अब एक कनेक्टर ले लीजिए और डीसी मोटर में और उस कनेक्टर को आपस में जोड़ दीजिए जिससे कि वो कनेक्टर बिजली का सप्लाई कर सके। अब एक स्विच को ले लीजिए, स्विच को और कनेक्टर को आपस में कुछ इस प्रकार से जोड़ दीजिए और मोटर से भी स्विच को जोड़ दीजिए। और एक बैटरी ले लीजिए गोबर गैस वाला और कनेक्टर में उसको कुछ इस प्रकार से ज्वाइन कर दीजिए। और ध्यान रहे यह कनेक्शन गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो आगे चल के परेशानी हो सकती है। आप देख सकते हैं गाइस स्विच को ऑफ ऑन करने से ये किस तरह चल रहा है। अब एक पाइप ले लीजिए, पाइप को कलम के कटे हुए पोर्शन को जिस जगह पर लगाए थे उस जगह पर इस पाइप को लगा दीजिए। अब एक गिलास पानी ले लीजिए और पाइप को पानी में कुछ इस प्रकार से डाल दीजिए। अब देखिए गाइस क्या मजेदार सीन नजर आ रहा है।